हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स और डिजायर्स। ठीक है, लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की हिडन फीलिंग्स और डिजायर्स आपके लिए क्या हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप सर डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। चले प्लीज एंड एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पर्सन की हिडन फीलिंग्स और डिजायर्स। आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स और डिजायर्स आपके लिए क्या हैं? ठीक है, लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की हिडन फीलिंग्स और डिजायर। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स और डिजायर्स, फीलिंग्स एंड डिजायर्स, फीलिंग्स एंड डिजायर्स। ठीक है, परसेप्शन, पैशन। ये पर्सन पास्ट में शायद आपको बहुत ज्यादा समझता नहीं था या समझने की कोशिश नहीं करता था, और आप काफी ज्यादा इस पर्सन के लिए पैशनेटिव थे। बहुत ज्यादा पैशनेट, पैशन वाली एनर्जी थी, एक अट्रैक्शन थी आपको इस पर्सन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे है आपके पर्सन की फीलिंग्स में इम्पार्शियलिटी। ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक प्रोवाइड नहीं करता जितना इस पर्सन को देना चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है फीलिंग्स इस पर्सन ने बैलेंस नहीं रखी, या आपको बैलेंस इमोशंस प्रोवाइड नहीं किए, जिसकी वजह से कनेक्शन एंड हो गया, रिन्यूअल। ये पर्सन इस वक्त इस कनेक्शन की, इस पर्सन की जो फीलिंग्स है ना, इस कनेक्शन को रिन्यूअल करने के लिए और रिकवर करने के लिए, ठीक है, एक बैलेंस ना होने की वजह से कनेक्शन में आप लोगों के बीच एक डिस्टर्ब सिचुएशन आ गई, आप लोग के बीच एक इमोशनली डिस्टेंस बढ़ चुका है। ठीक है, ये पर्सन चाहता है ये इस कनेक्शन को रिन्यूअल की तरफ लेकर आए और इस कनेक्शन को रिकवर करे। इस पर्सन के पास ये चाबी है। ठीक है, पहले जब आप इससे मिले थे किसी और तरीके से इस कनेक्शन को देखता था, और अब इस वक्त इस पर्सन का देखने का तरीका कुछ और है। ये अब आपको बैलेंस देना चाहता है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहता है, और इस कनेक्शन को एक दूसरे तरीके से देख रहा है। ठीक है, मतलब क्या रिकवरी, इस पर्सन को ऐसा लगता है इस कनेक्शन को रिकवरी, एक सेकंड चांस देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे रिस्क टेकिंग करनी चाहिए। पर्सन कभी रिस्क टेकिंग नहीं करता था। ठीक है, इसकी हिडन फीलिंग्स है, ये पर्सन जानता है ये रिश्ता क्यों खत्म हुआ है। ठीक है, चाहे ये आपके सामने एक्सेप्ट करे या ना करे, अपना गिल्ट है, अपना यहाँ पर एक्सेप्टेंस है, कितनी यहाँ पर इस पर्सन ने मिस्टेक्स की है। यहाँ पर बैलेंस नहीं था, जो आप इसको दे रहे थे ये इक्वली आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा था। इसकी फीलिंग्स और इसका एक अंदर का इनर सेल्फ ये बात जानता है। ठीक है, इसने यहाँ पर बैलेंस नहीं दिया, आपको वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे। डिजायर्स, इस पर्सन की डिजायर है इस कनेक्शन की ग्रोथ। ठीक है, ये पर्सन इस कनेक्शन को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना चाहता है। इस पर्सन की डिजायर है इस कनेक्शन में ग्रोथ आए। ठीक है, गिल्ट, मैंने कहा इस पर्सन को गिल्ट है। अब रियलाइजेशन है, इस बात का अंदाजा है कि आप यहाँ पर बहुत कुछ इस कनेक्शन के लिए करते रहे, लेकिन सही टाइम था, जब जब राइट टाइम था, जब आपको नीड थी इस पर्सन ने आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया, या आपकी तरफ कभी भी कोई सपोर्टिव हैंड नहीं दिया। ठीक है, गिल्ट में ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गिल्ट में। इम्पेशियंस, थोड़ा सा यहाँ पर इस पर्सन ने जो है ना, यहाँ पर मतलब कि बहुत ज्यादा होल्ड बैक किया। इस पर्सन को ऐसा लगता था वक्त के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी, इसने नेचुरली अनफोल्ड होने पे या डिवाइन डिवाइन टाइमिंग पे या सरेंडर कर दिया। इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करी, बहुत ज्यादा एफर्ट इस कनेक्शन में इस पर्सन की तरफ नजर नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन अब ये पर्सन चाह रहा है जल्द से जल्द इस कनेक्शन में कुछ न्यू बिगनिंग करे। इस पर्सन की डिजायर है, मतलब कि आपके साथ कनेक्टेड फील करता है, आपको अपना सोल का पार्ट समझता है, लेकिन गिल्ट है, इसने जो पास में किया उस चीज का गिल्ट है। ठीक है, आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब पॉइंट पर है, ये चाहता है, इसकी फीलिंग्स है, फीलिंग्स में है ये बात, ये चीज है, इसकी फीलिंग्स, इसका दिल दिमाग एक्सेप्ट करता है, इसकी अंदर की सोल ये चीज एक्सेप्ट करती है। इम्बैलेंस होने की वजह से चीजें डिस्टर्ब हुई है, ये रिन्यूअल की तरफ ले जाना चाहता है, इस कनेक्शन को रिकवरी चाहता है, लेकिन यहाँ पर इसकी डिजायर है इस कनेक्शन में ग्रोथ आए। ठीक है, ये गिल्ट से बाहर आए। इम्पेशियंस, फेयर, ये कनेक्शन में ये पर्सन फिलहाल इस वक्त प्रेयर कर रहा है, थोड़ा सा हीलिंग पॉइंट पर है, डिवाइन से कनेक्टेड हो रहा है, अपने स्पिरिचुअल साइड से कनेक्टेड हो रहा है। यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज्यादा एक स्पिरिचुअल चीजों को फॉलो कर रहा है। ठीक है, स्पिरिचुअल गाइडेंस को और स्पिरिचुअल चीजों की तरफ इस पर्सन का माइंड जा रहा है, बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है डिवाइन के, जो इसको सिंक्रोनिसिटी मिल रही है, और जो डिवाइन के साथ कनेक्शन इस पर्सन का मजबूत हो रहा है। जैसे अगर ये पर्सन पास्ट में एक इनर सेल्फ, अपने इनर पीस, मतलब कि सब चीज़ों को नहीं जानता था, ये वो करता था जो दुनिया करती थी, इट मीन्स ये ट्रेंडिंग
की जो ट्रेंड चलता था उन सब चीजों के पीछे भागता था। अगर कोई यहाँ पर किसी को चीट कर रहा था तो उसको लगता था ये आम है, चीट है, मतलब कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसने कोई बहुत बड़ा गुना नहीं कर दी, नॉर्मल सी बातें ये सब करते हैं। एक यहाँ पर डबल डेटिंग करना ये सब करते हैं, कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर ऐसी अनोखी बात ये पर्सन नहीं कर रहा आपके साथ, ये सब कुछ मतलब कि बहुत ज्यादा डार्क साइड से कनेक्टेड था, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी थी ये, वो टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को एडॉप्ट कर लिया करता था। कभी भी जितनी पॉजिटिविटी आप में थी वो उसमें नहीं थी। आप लोग जैसे जैसे आप लोग आए तो एक साथ थे, लेकिन आपके अंदर एक जमीन आसमान का फर्क था इसके नेचर में और आपके नेचर में। इसका नेचर बहुत ज्यादा डार्क साइड को बिलोंग करता था और आपका नेचर बहुत ज्यादा लाइट साइड को, बहुत ज्यादा रोशनी को, बहुत ज्यादा आप सच को सच कहना आपको अच्छा लगता था। इस पर्सन को झूठ, ये पर्सन झूठ को झूठ भी नहीं समझता था। इस पर्सन को ऐसा लगता था यार प्रॉब्लम ऐसी थी, मैंने झूठ बोला तो कौन सी बड़ी बात कर दी, ठीक है, आपसे अगर कुछ छुपाया तो कौन सी बहुत बड़ी बात कर दी। तो इस वक्त इसका ध्यान जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल चीजों से कनेक्टेड फील कर रहा है, स्पिरिचुअल चीजों को फॉलो कर रहा है, स्पिरिचुअल अपने जो प्रैक्टिसेस कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसका दिमाग जो हो गया डाउन टू अर्थ टाइप पर्सन हो गया, थोड़ा सा काइंड हार्टेड हो रहा है। अब क्योंकि गिल्ट जब आ रहा है ना अपनी गलतियों को, ऐसे ही एहसास कहीं से इसको एक हिट मिला है, ठीक है, कहीं से इसको एक 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 इसको जो है ना ये बात सिखाई जा रही है कि तुम गलत थे, तुमने गलत किया। हिडन फीलिंग्स एंड डिजायर्स, आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, प्लीज एंड स्पीक गेट मेरे व्यूअर के पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये पर्सन रिन्यूअल चाहता है, अगर यहाँ पर एंडिंग आई हुई है तो यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट है, या ये कनेक्शन डिस्टेंस हो चुका है, या तो आप लोग के कनेक्शन में ब्लॉकेजेस आ चुकी है, तो ये रिकवरी चाह रहा है इस वक्त इस कनेक्शन की, ठीक है। डिजायर से इम्पेशेंस हो रहा है, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, बहुत सारी बातें आपसे करना चाहता है, आपके साथ एक जो है ना एक जैसे एक अपनी फ्रेंडशिप को दोबारा पुराने जैसी करना चाहता है, बहुत ज्यादा आपके साथ जुड़ना चाहता है, कनेक्शन को बिल्ड करना चाहता है, इसके माइंड में ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा गिल्ट की एनर्जी में क्योंकि अकेला रह गया है, जहाँ इसने सोचा था अदर साइड इसकी ज्यादा ग्रास ग्रीन है, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। वहां एक नेगेटिविटी इस पर्सन ने फेस करी, किसी नेगेटिविटी को फेस कर रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में। इसको मतलब कि सही गलत का, सही गलत लोगों का फर्क डिवाइन ने इस पर्सन को बताया है कि सही सही लोग क्या थे और गलत लोग क्या हैं, जिसको ये समझ रहा था ना कि यहाँ पर जो उसको सामने से दिख रहा था, जो उसको ग्लिटर दिख रहा था, इसको वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, इसने उस चीज को भी एक्सपीरियंस करके देख लिया। रिकवरी चाहता है, अगर यहाँ पर ये आपको छोड़ के गया था किसी और के लिए, गिल्ट में, ठीक है, बहुत ज्यादा गिल्ट में, इम्पेशेंस हो रहा है, आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, इसकी हिडन डिजायर से इस कनेक्शन में ग्रोथ आना, इस कनेक्शन में चीजें आगे की तरफ बढ़ना, ठीक है। इसका परसेप्शन बदल रहा है, बहुत ज्यादा पास्ट में आपकी आपके लिए इसका पॉजिटिव परसेप्शन नहीं था। देखिए कंप्लीशन, कोई आपके कनेक्शन में कंप्लीशन आया हुआ है, ठीक है, कोई ना कोई कंप्लीशन आया हुआ है, कोई ना कोई एंडिंग आई हुई है आपके कनेक्शन में, या अगर यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट है, यहाँ पर ब्लॉक सिचुएशन है, तो ये सब चीजें इसका जैसे एक रियलाइजेशन का फेस है इसकी लाइफ में, इसको समझ में आ रहा है, एक इसको एक जो कड़वी सच्चाई समझ में आ रही है, इसने किस चीज को चूज नहीं करा, इसने यहाँ पर किन लोगों को अपनी लाइफ में जगह दी, और वो लोग उन लोगों के असली चेहरे इस पर्सन के सामने आ रहे हैं। थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी की गिल्ट है इसके अंदर, इसने कुछ ना कुछ आपके साथ नेगेटिव किया है, यहाँ पर कुछ ना कुछ इस पर्सन ने यहाँ पर नेगेटिव किया है, कोई ना कोई कंप्लीशन नजर आ रहा है, इसका परसेप्शन बदल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन जो है ना एक प्रेयर कर रहा है, डिवाइन से कनेक्टेड है, सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, इसको बहुत ज्यादा एक जैसे पुश कर रहा है डिवाइन आपकी तरफ, इसको एक मिसिंग एनर्जी बहुत बैडली महसूस हो रही है, आपकी कमी इसको अपनी जिंदगी में महसूस हो रही है, आपके पर्सन की फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स। एट ऑफ कप्स, वॉकअवे सीन पर है, डिस्टेंस पर है, खुद छोड़ के गया था इस कनेक्शन को क्योंकि आपके लिए कंफ्यूज था, ठीक है, आपके लिए इसको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए, इसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे, ये बात जानता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इमोशनली, बहुत ज्यादा ये एक एक इमोशनली लॉस एनर्जी पे, बहुत ज्यादा स्टक हो चुका है अपनी ही कंफ्यूजन में, अपने ही डिसीजन मेकिंग की वजह से बहुत ज्यादा स्टक हो चुका है, खुद को हील कर रहा है, एक डिस्टर्ब साइड है इस पर्सन की। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ये पर्सन आपको सिंगल देख रहा है और इंडिपेंडेंट देख रहा है, अपनी लाइफ में आप खुश हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में
ऐसा हो सकता है किसी और को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं, या इस पर्सन को आप शो कर रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शन हैं, आप उनको एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। एक सैडनेस वाली वाइब है, खुश नहीं है जहाँ भी है, फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी है, मतलब कि सब कुछ खो देने का एहसास इस पर्सन को है। इस पर्सन ने कन्फ्यूजन के थ्रू इस कनेक्शन को ख़त्म करा, इसने सोचा इसको आगे चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी, या इसने सोचा कि अभी अदर ऑप्शंस को मैं एक्सप्लोर करता हूँ और अदर ऑप्शंस को देखना चाहिए मुझे। बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आपको ना वो तवज्जो दी, ना वो आपको वक्त दिया जो आप डिजर्व करते थे। स्टकनेस की रियलाइजेशन, एक गिल्ट में जो है ना ये रियलाइज हो रहा है इस पर्सन को, हीलिंग की नीड है इस पर्सन को, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब है इस, क्योंकि डिस्टर्ब यूँ हो रहा है, इसका दिल दिमाग जैसे पुश कर रहा है डिवाइन इसको, इसको रह रहकर आपकी याद आ रही है, इसका दिल दिमाग आपकी तरफ है, इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है, आपके लिए एक लविंग एनर्जी में, आपके लिए केयरिंग एनर्जी में, ठीक है, जो कि बता भी नहीं पा रहा है क्योंकि ये खुद गया था इस कनेक्शन से छोड़कर। इसकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए एक इमोशनल फीलिंग्स हैं, लेकिन खामोश है। पहले जैसे आपके साथ एक डिसबिहेवियर करता था, अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो आप उस तरीके का एटलीस्ट इसका बिहेवियर नहीं है, कहीं ना कहीं एक नदामत है इसके अंदर, ठीक है। चाहे आपको अभी भी मुंह पे ही बोले कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता, क्योंकि इसके अंदर एक गिल्ट है जो इसके साथ चल रहा है, ठीक है। डिजायर क्या है इस पर्सन की, इस कनेक्शन के लिए आपके पर्सन की डिजायर क्या है, इस कनेक्शन के लिए आपके पार्टनर की डिजायर, इस कनेक्शन के लिए क्या है? स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है, जगल कर रहा है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, किस तरीके से। यहाँ पर अभी भी किसी ना किसी चीज़ में कंफ्यूज है, फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है, जगलिंग फेस है, ठीक है। यहाँ पे है सेवन ऑफ वैंड्स एंड थ्री ऑफ पैंटिकल, यहाँ पे क्वीन ऑफ पैंटिकल। इसकी डिज़ायर तो है आपके साथ स्टेबल और कमिटेड रिलेशनशिप बनाना, लेकिन इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, जिसके लिए खुद को अभी भी ब्लॉक समझ रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। डिज़ायर है इसकी यहाँ पर इस कनेक्शन को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना, लेकिन मेंटली ब्लॉकेजेस है, इसको पता है यहाँ पर इसको काम करना पड़ेगा, एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन इसने बहुत बुरे तरीके से कनेक्शन को डिस्ट्रॉय करा हुआ है, कनेक्शन को डिस्टर्ब करा हुआ है। इमोशनली इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखा, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन आपको दी है। ये अब इस कनेक्शन में इंटरेस्ट रखता है या आपको लव करता है, कैसे आके बोल दे, ये बात इसको समझ नहीं आ रही, ठीक है, कन्फ्यूज स्टेट में है। पास्ट में तो बिल्कुल भी अपनी गलती को रियलाइज ही नहीं कर रहा था, ठीक है, बिल्कुल भी गलती को रियलाइज नहीं कर रहा था पास्ट में। देखिए इसके पास और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन इंटरेस्टेड नहीं है, बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं इसको फुलफिलिंग नहीं लग रहे, इसको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे, इसका इंटरेस्ट नहीं है। डिज़ायर इधर स्टेबिलिटी लाने की, आपके साथ स्टेबल होने की, कमिटेड होने की, और इस कनेक्शन में वर्क पुट ऑन करने की, ठीक है, लेकिन मेंटली स्टकनेस है। जिस तरीके से इसने चीज़ों को ख़त्म किया था आपके साथ, अब जैसे वो कहते हैं ना, कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे हम कह देते हैं, वो वक्त ना वापस आ सकता है, ना वो वर्ड्स वापस आ सकते, तो वाली सिचुएशन है। देखिए स्टेबिलिटी को यहाँ पर ये पर्सन डिमांड कर रहा है, बहुत सर्च स्टॉक कर रहा है आपको, और इसके पास ऑप्शंस हैं, इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है इसका, इसको वो पीस, वो अपनाइयत फील नहीं हो रही, वो ऑनेस्टी, वो लॉयलिटी फील नहीं हो रही, वो जो मतलब क्या और ऑप्शंस मिल रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट इसका नहीं है और लोगों में। आपको कमिटेड पार्टनर की तरह देख रहा है, आपको स्टेबल पर्सन की तरह देख रहा है, डिजायर है यहाँ पर ग्रोथ आए, और यहाँ पर क्वीन ऑफ पैंटिकल, बहुत ज़्यादा स्टेबल डिजायर है इस पर्सन की, इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। आप क्या सोच रहे हैं इस पर्सन के लिए, लेट्स सी मेरे व्यूवर क्या सोच रहे हैं इस पर्सन के लिए। प्रेयर कर रहा है ये, आप लोग जैसे इस पर्सन को, ये पर्सन पास्ट में स्पिरिचुअलिटी से या चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था, जैसे अब इसकी आंखें खुल रही हैं, ये जो ग्रोथ चाह रहा है ना, ये आंखें खुल रही हैं, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया इसने अपनी लाइफ में। आपको छोड़ के इसने कहीं थर्ड पार्टी बिल्कुल बनाई थी, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा पर्सन आया था जिसकी वजह से ये आपकी तरफ से गया था, ठीक है, आपकी सिचुएशन से निकल के गया था, इसने किसी और को इम्पोर्टेंस ज़रूर दी आपके ऊपर। आप थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आप थोड़ा सा कोल्ड डिटैच हुए हैं। आप इसकी जो आपने जिसकी डार्क साइड जो देख ली ना, इसकी जो शेडो साइड जो आपने इसकी देख ली, इसके बाद आप बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो पास्ट वाली इंटरेस्ट था ना आपका, वो नहीं है, ठीक है, आप कोल्ड डिटैच हैं इस पर्सन की तरफ, ठीक है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटैच कोल्ड रिजिड हुए हुए, आपको यहाँ पर कुछ खास समझ में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि आप एफर्ट नहीं करना चाहते, आपने जितना करना था आप डन हो चुके हैं, ठीक है, आपने सोचा आपने जितना करना था आपने कर दिया, आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डार्कनेस को एक्सपीरियंस कर लिया, बहुत ज़्यादा इस पर्सन की डार्क साइड भी देख ली, आपने सब कुछ देख लिया, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है यहाँ पर।
ये क्या सोच रहा है इस वक्त आपके लिए, ये पर्सन आपके लिए इस वक्त सोच क्या रहा है? डेथ। इसको पता है इस कनेक्शन की एक बैडली एंडिंग हुई है, ठीक है। ये पर्सन चाहता है ये कनेक्शन एक रीबर्थ की तरफ आए, देखिए ग्रोथ की तरफ आए। फाइव ऑफ फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है मेंटली स्ट्रक्चर से। इसको पता है बहुत ज्यादा यहाँ पर कुछ नेगेटिव हो चुका है, पास्ट में बहुत ज्यादा इमोशनल थे, लेकिन एक क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स हो चुका है, टावर मूवमेंट आया यहाँ पर। आप यहाँ पर आपके इमोशंस रिवर्स हो गए, आपने जो यहाँ पर एक एक रियलिटी देखी है इस कनेक्शन की या इस पर्सन की, जो भी सिचुएशन आप लोग के सामने आई है उसने आपको बहुत ज्यादा इससे डिटैच कर दिया इमोशनली। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा है इस टावर मोमेंट का कि आप इमोशनली एक डिटैच हो चुके हैं इस पर्सन से। इसकी शेडो साइड जो भी आपके सामने आई है उससे, उसकी वजह से आप थोड़ा सा कोल्ड डिटैच आप डन हो चुके हैं। आपने बोला आपने जितना करना था आपने इस कनेक्शन के लिए कर दिया, जितना आप इस कनेक्शन को प्रोवाइड कर सकते थे वो कर दिया। मेंटली कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है। इस पर्सन की क्लैरिटी नहीं है इसके पास, मतलब कि चाहता है एक रीबर्थ हो जाए, चाहता है एक रीस्टार्ट हो जाए, चाहता है एक सेकंड चांस मिल जाए, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ये कनेक्शन जाए और ये पर्सन भी खुद को ट्रांसफॉर्म करे अगर ये कनेक्शन चाहता है तो, ठीक है। थोड़ा सा गिल्ट है, डिवाइन से कनेक्टेड हो रहा है, डिवाइन पुश भी कर रही है, रिकवरी हो सकती है अगर तुम एफर्ट लो, अगर तुम यहाँ पर एक सही तरीके से डिसीजन मेकिंग करके चीज़ों को आगे बढ़ाओ तो, ठीक है। इस पर्सन का एक्शन क्या लेगा रहेगा आपके लिए, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का एक्शन क्या रहने वाला है इस कनेक्शन में आपके लिए? भाई कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो ब्लॉक सिचुएशन है तो कम्युनिकेट करना चाहता है। मैंने कहा बहुत ज्यादा अर्ज हो रही है इस पर्सन को आपसे बात करने की। देखिए टू ऑफ कप्स, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सकती है, लेकिन आप मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कोल्ड और डिटैच लग रहे हैं, डिफेंसिव, अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इल्यूजन्स हैं आपके दिल दिमाग में, ठीक है। यहाँ पर इनिशिएट तो ये पर्सन लेगा आपकी तरफ कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दो राय में यहाँ पर डिवाइड हुए हैं। आपको क्या करना चाहिए, इस पर्सन के साथ एक साइकिल दोबारा स्टार्ट करनी चाहिए या तो इस कनेक्शन को खत्म कर देना चाहिए? आप कहीं ना कहीं एक अपने अपने आपकी कहीं ना कहीं इसके लिए एक डिजायर थी कि आप इस पर्सन के साथ एक टेन ऑफ कप्स बनाए, कहीं ना कहीं वो चीज अभी भी आपको हॉन्ट करती है, वो ड्रीम आपको अभी भी हॉन्ट करता है, क्योंकि आप एक अट्रैक्शन इस पर्सन की तरफ एक बला की रखते हैं, बेहद अट्रैक्टिव हैं आप इस पर्सन की तरफ, ठीक है। चाहते तो हैं आप एक रिकनसाइलेशन, लेकिन आप सोचेंगे, अब आप यहाँ पर बहुत ज्यादा लॉजिकल हुए हैं, ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पर एक लॉजिकल माइंडसेट के साथ हैं आप, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइस को जरा सा इग्नोर करें, क्वीन ऑफ सोर्ड के साथ आप यहाँ पर बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंडसेट से यहाँ पर अब चल रहे हैं, आप यहाँ पर लॉजिकल हुए हैं। आप जो इस पर्सन के आपने जो एक आपका जो सामने जो एक पास्ट हिस्ट्री खुली है उसने आपको थोड़ा सा एक डरा दिया इस पर्सन से, बिल्कुल। आप ये लाइफ में खुश रहना चाहते हैं सबसे ज्यादा, अपने आप यहाँ पर लॉजिकल रहेंगे, अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देने वाले हैं आप नेक्स्ट, और ये पर्सन आपकी तरह आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा है आप थोड़ा सा अपने आप को अपना हार्ट चक्र प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरेस्ट ये भी ले रहा है, ये भी थोड़ा सा घबरा रहा है जो इसने पास में कर दिया, अब किस तरीके से इस कनेक्शन में एक वही चीज वापस आएगी, ठीक है। अब देखते हैं इस पर्सन की तरफ से, अगर ये पर्सन अगर आपको कोई मैसेज देना चाहे तो क्या देगा। थ्री मैसेजेस लेंगे आपके पार्टनर, अगर आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ये पर्सन अगर कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे मेरे व्यूवर को, ये पर्सन अगर कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा? ओके, डीप डाउन आई नो देयर इज नथिंग टू फियर। देखें ये भी थोड़ा सा घबरा रहा है आपकी तरफ एक्शन लेने से, लेकिन डीप डाउन जानता है अगर आपकी तरफ आए तो कोई फियरफुल सिचुएशन नहीं है, आप आज भी वैसे ही हैं जैसे पास्ट में थे, ठीक है। प्लीज गिव अ सेकेंड चांस, ठीक है। ये पर्सन आपसे सेकेंड चांस मांगना चाहता है, आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर है आई एम ट्राइंग टू हील, ये पर्सन हील हो रहा है, खुद को हील कर रहा है। वन लास्ट, आई एम नॉट स्ट्रक, अगर पास में इस पर्सन को लगता था ये पर्सन स्ट्रक है तो अब ऐसा लगता है ये स्ट्रक नहीं है। डोंट फॉरगेट टू स्माइल, ये पर्सन आपका वेलविशर है, ये पर्सन चाहता है आप कभी भी मुस्कुराना ना भूलें, अपनी जिंदगी में खुश रहें, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें और खुशियों को वेलकम करते रहें, ठीक है। मैं सीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, डिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड एडिशन के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चल के अबाउट में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे भी रील्स कल तक अपलोड हो जाएगी। थैंक यू।